बाबूजी जरा धीरे चलो, प्यार इश्क मोहब्बत ये तीन शब्द सुनने में जितने अच्छे लगते हैं वास्तव में ये उतने ही उलझे हुए होते हैं जो हर किसी के मन को बहुत गहराई से स्पर्श करते हैं। आजकल रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े के साथ साथ धोखा भी आम बात हो गया है। वो कहते हैं ना, किसी चोट का असर इंसान के शरीर पर होता है और दिल टूटने पर या फिर धोखा खाने का घाव दिल पर होता है और शरीर चोट से गहरी मन की चोट होती है दोस्तों, जिसे भरना आसान नहीं होता। कई लोग तो उस धोखे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उस धोखे के नीचे दब जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर रिलेशन में आने के बाद भी वे कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोस्तों रुके रुके, क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है? या शायद हाँ या नहीं तो बताना चाहती हूँ कि एक बार यदि आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आपको आगे के लिए सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि आप फिर से धोखा न खाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर लड़की धोखा देती है दोस्तों, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि हाँ ये लड़की धोखा नहीं देगी, तो बस देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी पार्टनर की हरकतों को समझ सकते हैं और अगली बार धोखा खाने से बच सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों लड़के जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो वे उस रिलेशन में इतना रम जाते हैं कि उन्हें अपनी पार्टनर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और हमेशा उसकी ही यादों में खोए रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। वहीं देखा जाए तो ये बात भी सही है कि लड़के लड़कियों की तुलना में अपने लवर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यदि हद से ज़्यादा विश्वास उन्हें धोखे के रूप में मिलेगा। इसीलिए कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि आप उस पर एक बार विश्वास करके धोखा खा चुके हो तो आपको फिर अपनी गर्लफ्रेंड पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके साथ नॉर्मल हो जाएं तो वो समझ जाएगी कि आप पहले जैसे हो गए हैं और वो आपको धोखा देने के बारे में सोच सकती है। वो कहते हैं ना, हम किसी से कितना प्यार करते हैं यदि ये बात उसे बता दे तो वो वैल्यू करना कम कर देती है। दोस्तों ये बात इस जगह पर बिल्कुल सटीक बैठती है, इसीलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक बार धोखा खाने के बाद जग जाहिर ना करें। तो ध्यान रखें, प्यार अपनी जगह पर, पागलपन अपनी जगह पर। दोस्तों यदि आप अपनी पार्टनर या गर्लफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लेते हैं, उसकी पोल आपके सामने खुल जाती है, तो याद रखिएगा वो सबसे पहले आपकी कमियां गिनाएगी और फिर आप पर ही सारे ब्लेम डालेगी। इसीलिए ध्यान रहे कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट न करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गलती का समाधान हो सकता है लेकिन धोखे का नहीं। दोस्तों गलती के लिए माफ़ी दी जा सकती है लेकिन गुनाह के लिए नहीं। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हमेशा छोटी छोटी गलती को माफ़ करके अपना पलड़ा शुरू से ही कमज़ोर न होने दें और ये भी देखें कि वो किस हिसाब की गलती कर रही है, क्योंकि यदि आप ऐसा ही करते हैं तो उसके मन में आपकी इज्जत कम हो जाएगी और उसे लगने लगेगा कि फिर से यदि आपसे गलती हुई तो माफ़ी मांग लेगी, आप उसे
उसके धोखे के लिए माफ़ कर देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, धोखे को माफ़ करने का मतलब होता है कि यदि आप अपने धोखेबाज पार्टनर में इन सभी चीज़ों का आलंकन करेंगे तो निश्चित ही आप अपने आने वाले धोखे और खतरे से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि किसी को भी धोखा देना गलत होता है दोस्तों, क्योंकि लड़का या फिर लड़की किसी व्यक्ति की भी फीलिंग्स को तोड़ना, उसके दिल को तोड़ना जैसा कोई पाप नहीं होता। किसी